आपको चेतना की एक सुस्त अवस्था में लाने के लिए अपनी तकनीक का प्रयोग करें। वीनस के नए चक्र की शुरुआत में इस ध्यान का एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए अपने इरादे बताइए कि पुराने छोड़ने के लिए और साथ ही सार्वभौमिक रूप से प्यार खोजने के लिए। आप ग्रह वीनस के मूल से निकलने वाले चमकदार सुनहरी रोशनी का एक खंभ और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के माध्यम से बहने के बाद फिर अपने शरीर के माध्यम से ग्रह पृथ्वी के मूल तक बहती हैं। वीनस के आयामी प्राणियों की तरफ पृथ्वी के मूल से उगाते हुए नीले हरे रंग की रोशनी को एक और खंभ को देखें। अब आप दो बहन ग्रहों के लाइट के दो स्तंभे में बैठे हैं। प्रकाश एक साथ ऊपर और नीचे दोनों बहती हैं। लाइट के इन स्तंभों को कुछ मिनटों तक सक्रिय रखें और पृथ्वी और वीनस के बीच कनेक्शन को प्रत्येक सांस के साथ मजबूत बनाने के बीच देखें।
ग्रह वीनस को पृथ्वी की सतह की ओर नवीनीकृत देवी ऊर्जा भेजना कल्पना करें। पृथ्वी की सतह पर हर किसी में आंतरिक स्त्री तत्व को सक्रिय करने के लिए इस ऊर्जा को विजुअलाइज करें। ऐसे अपने आंतरिक मर्दानुसार के साथ संतुलित करें। हर किसी को अपने भीतर के बच्चों को याद रखने की कल्पना करें। आप पृथ्वी को एक शांतिपूर्ण गौर चौंकाने वाले तरीके से सक्रिय करने के लिए एक पूरी नई वास्तविकता को कल्पना करें और चिंतामणि लाइट ग्रिड के पूर्ण सक्रियण को कल्पना करें।
सभी लाइट वॉरियर्स और लाइट वर्कर्स को एक वायलेट लाइट के साथ शुद्ध किया जा रहा है। ईला प्यार सीरियन दूत की गुलाबी तरल लाइट के प्यार से गिरा हुआ। और अन की वाइट फायर के साथ सभी प्रोग्रामिंग नियंत्रणा या दमन के मुक्त किया जा रहा है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के दूसरे पुनर्जागरण के साथ पृथ्वी पर अनंत शांति स्थापित की जा रही है। देवी एक नई शुरुआत चाहता है और यह एक नई शुरुआत होगी।